श्रीमद भगवद गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 29 देखते हैं। पहला चरण यथा, यम यमिक्स का ना यथा, प्र प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, दी की मात्रा बड़ी, आधा प उसके साथ प्रदीप, त पूरा, त में अनुस्वार है त शब्द पूरा होने के बाद इसलिए आधा म प्रदीप्तम, ज आधे के साथ व पूरा ज्व, ल में अमिक्स करेंगे ज्वल, न के ऊपर अनुस्वार आधा म शब्द पूरा होने के बाद ज्वलनम, प में अमिक्स करेंगे प, त के बाद में है अंग, अंग का क्या काम होता है त पे बिंदी लगाएगा पतंगा। पहला चरण रिपीट करते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। दूसरा चरण विश, श में अमिक्स करते हुए मात्रा के अंदर आधा न श के साथ पढ़ेंगे, विशंति नाशाय, य में अमिक्स करेंगे नाशाय, स में अमिक्स करेंगे स, म के नीचे री की मात्रा मृ, एम आर आई, मृ के साथ आधा द मृद, और ध में अमिक्स करेंगे मृद्ध, द और ध में ध्यान रखना है वेगा, आ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे हा वेगा। दूसरा चरण रिपीट, विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। पहला और दूसरा चरण साथ में, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। विशंति, ये दोनों शब्द दूसरे चरण में है, लोका का के साथ आधा सर लोकास। तीसरा चरण रिपीट, तथैव नाशाय विशंति लोकास। चौथा चरण, तमी अमिक्स करना है तवापि, व के साथ आधा का वक्त्राणी समृद्ध, ये दूसरे चरण में देखा था अपन ने, स म के नीचे री के मात्रा मृ के साथ आधा दमृद, और ध में अमिक्स करेंगे समृद्ध वेगा। चौथा चरण रिपीट, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यहाँ पर समृद्ध है, समृद्ध नहीं पढ़ना है। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशंति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। वापस, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशंति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। श्लोक का अर्थ देखते हैं, यथा जैसे प्रदीप्तम प्रज्वलित, ज्वलनम अग्नि में, पतंगा पतंगे जो होते हैं ना वो, विशंति प्रवेश करते हैं, नाशाय नाश होने के लिए, समृद्ध वेगा बड़े वेग से दौड़ते हुए। जैसे पतंगे होते हैं ना, उनको पता नहीं रहता कि वे अग्नि में जाएंगे और जल जाएंगे, लेकिन फिर भी बड़े वेग से, मतलब बहुत तेजी से वो अग्नि की तरफ चले जाते हैं। तथैव, तथैव में दो शब्द है, तथा धन एव, तथा यानी वैसे, एव यानी ही, वैसे ही नाशाय नाश होने के लिए विशंति प्रविष्ट कर रहे हैं। लोकास तवापि, आधा सा किस लिए होगा, लोका और तव अपि, इन तीन शब्दों को जोड़ रहा है, तो लोका यानी ये सब लोग, तव आपके, अपि भी आगे, वक्त्राणि वक्त्राणि यानी मुख में, समृद्ध वेगा बड़ी वेग से दौड़ते हुए प्रविष्ट हो रहे हैं। आपको अर्थ समझ में आया होगा कि जैसे पतंगे नाश होने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित यानी जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ये सब लोग, मतलब जो भगवान के विश्व रूप का जो दर्शन कर रहे हैं अर्जुन,
उसके लिए बोल रहे हैं कि आप किस विराट स्वरूप में ऐसे ही सब लोग नाश होने के लिए बड़ी वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में घुस रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।